सो गाइस फाइनली KTM एडवेंचर 390 टॉप ऑफ द लाइन मॉडल शोरूम पर आ चुका है, आप सामने देख रहे हैं। तो ये इसके साथ आपको स्पोक व्हील मिलेंगे विद टोटली मैनुअली एडजस्टेबल, आपको इसके अंदर सस्पेंशन मिलने वाले। तो आज की वीडियो हम इसी गाड़ी के ऊपर बनाने वाले हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस गाड़ी के बारे में आज हम देने वाले हैं। तो टोटली इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली, तो वीडियो के साथ बने रहेगा, पूरे देखेगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। स्किप करेंगे तो आपकी जानकारी की भी स्किप हो जाएगी। तो कंप्लीट एक वॉक अराउंड आपको देने वाले आज हम KTM एडवेंचर 390 टॉप ऑफ द लाइन मॉडल का। तो यह है स्पोक व्हील के साथ, और इसके साथ आपको मिलने वाला है फ्रंट एंड रियर दोनों ही सस्पेंशन मैनुअली एडजस्टेबल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं हमेशा की तरह अपनी फ्रंट से। तो गाइस हमेशा की तरह हम वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। तो फ्रंट के डिज़ाइन में तो आपको कोई भी यहाँ पे चेंजेस नहीं देखने को मिलने वाला है। तो KTM एडवेंचर 390 में अब आपको काफ़ी ज़्यादा मॉडल देखने वाले, और जो आज हमारे सामने मॉडल है ये है टॉप ऑफ द लाइन मॉडल, जो कि आता है स्पोक व्हील के साथ, और फ्रंट एंड रियर दोनों ही सस्पेंशन जो है इसमें मैनुअली एडजस्टेबल है। तो आप इसमें सबसे पहले मैं आपको इसका ग्राफिक्स दिखा देता हूँ। तो ग्राफिक्स कलर आप देख सकते हो, ये जो है डकार रैली से इंस्पायर्ड आपको इसके ऊपर ग्राफिक्स मिलने वाले, और केवल एक यही कलर इसके साथ आता है, आपको इसमें कोई और दूसरी लाइब्रेरी देखने को नहीं मिलेगी। बाकी जो मॉडल आपको खड़े हैं, चाहे अभी नॉर्मल स्टैंडर्ड एडवेंचर कह लीजिए, एक्स कह लीजिए, तो हर किसी में आपको दो कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इसके साथ आपको सेम यही ग्राफिक्स देखने को मिलने वाला है। तो स्पेसिफिकेशन की बात, डिज़ाइन की बात आज मैं आपके साथ नहीं करूँगा, तो वो तो इस मॉडल के साथ आपको क्या नया अपडेट मिल रहा है, क्या चेंजेस इसके साथ मिल रहे हैं, क्यों ये जो मॉडल है इतने ज़्यादा महंगा है, टॉप ऑफ द लाइन है, तो उसके बारे में आज हम इस गाड़ी में बात करेंगे। तो सबसे पहला चेंज ये अपडेट मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप ये देख सकते हैं स्पोक व्हील। तो इसके अंदर आपको अब अलॉय व्हील देखने को नहीं मिलेंगे, इसमें मिलेंगे अब आपको ये स्पोक व्हील। तो मैं अदर साइड से भी आपको एक बार दिखा देता हूँ, तो कुछ इस तरह से नज़र आने वाले हैं आपको स्पोक व्हील। टायर आपको वही सेम मिलने वाला है, मेटजलर के टायर इसमें आपको मिलने वाले हैं, वो भी ट्यूबलेस टायर ही मिल रहे हैं, टायर के साथ कोई चेंजेस नहीं किया गया। हाँ डेफिनेटली स्पोक व्हील है, तो इसके साथ आपको जो टायर है ट्यूब के साथ आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, लेकिन जो कंपनी आपको सेम मेटजलर के टायर प्रोवाइड कर रही है, और टायर प्रोफाइल में भी आपको कोई चेंज नहीं मिलने वाला है। आपको मैं टायर का प्रोफाइल भी एक बार दिखा देता हूँ, 100/19/19 वही 90/19 सेक्शन का सेम मेटजलर के टूरांस टायर आपको इसके साथ मिलने वाले, और फ्रंट टायर मैं बता दूँ वही सेम 19 इंच का है। तो कुछ ये आप पहला अपडेट या चेंज कह सकते हैं। अगर मैं साइड फेंडर की बात करूँ तो WP Apex के ये आप यहाँ पे ग्राफिक्स देख रहे हैं, और WP Apex से आपको फ्रंट अपसाइड डाउन शॉकर इसमें मिलने वाले हैं, लेकिन शॉकर में क्या चेंजेस है अदर मॉडल के साथ, तो ये आपको टोटली मैनुअली एडजस्टेबल सस्पेंशन मिल रहा है। आप इसमें कंप्रेशन के साथ रिबॉन्ड दोनों ही मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो रेड बटन है, यहाँ से आप अपना रिबॉन्ड को जो है मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं, 30 क्लिक आप इसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं दोनों साइड, चाहे वो रिबॉन्ड हो चाहे कंप्रेशन हो, 30 क्लिक्स के साथ आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और जो वाइट में आप इसके साथ इसका कंप्रेशन जो है मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये जो है मेजर चेंज है इस गाड़ी के साथ डबल। तो जो हार्डकोर ऑफ रोडर हैं, जो राइडर्स हैं, तो उन सब के लिए जो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, और डेफिनेटली गाड़ी जो पहले से और ज़्यादा अब अपनी ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ के लिए ज़्यादा यूजेबल अब हो गई है। और उसी तरह से अगर मैं रियर सस्पेंशन की बात करूँ तो आप यहाँ मोनोशॉक देख रहे हैं, तो ये भी आप टोटली मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं, और यहाँ आप 10 क्लिक से एडजस्ट कर सकते हैं, और जो अपर जो है फ्रंट सस्पेंशन है इसको आप 30 क्लिक के अकॉर्डिंग अपनी सेटिंग्स के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी अगर मैं डिज़ाइन की बात करूँ तो डिज़ाइन फ्रंट में आपको सेम LED हेडलाइट यूनिट मिलने वाली, इसमें आपको कोई चीज देखने को नहीं मिलने वाला है। जो मेजर चेंज है आपको मैंने अलॉय व्हील की जगह अब आपको इस यहाँ पे स्पोक व्हील मिलने वाले हैं। सस्पेंशन के चेंजेस मैंने आपको बता दिए, चाहे वो फ्रंट हो चाहे रियर हो, दोनों ही सस्पेंशन आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। लाइब्रेरी जो इसके साथ नहीं आई है डकार रैली के साथ वो आप देख सकते हैं। जो आप पेट्रोल टैंक के ऊपर ये देख रहे हैं पूरा मैट फिनिश के साथ है, और जो साइड पैनल है वो आपको ग्लॉसी फिनिश के साथ देखने को मिल जाएगा। और अगर मैं चेसिस की बात करूँ तो चेसिस भी आपको यहाँ टोटली ऑरेंज कलर में मिलने वाली, जो कि कम्प्लीटली हाईलाइट यहाँ पे लग रही है। शॉकर अगर ऑरेंज होता तो वो ज़्यादा और अच्छा हाईलाइट करता, लेकिन शॉकर जी की जो स्प्रिंग है यहाँ पे आपको वाइट ही मिलने वाली है, लेकिन हाँ ये भी टोटली मैनुअली एडजस्टेबल है। रेयर वाले स्पोक व्हील के साथ टायर दिखा देता हूँ, आप ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे लुक मिलने वाली है। जो लुक है जो पहले से भी ज़्यादा मीन अब इस गाड़ी की लग रही है, पहले से ज़्यादा गाड़ी और अब कैपेबल दिखने में लग रही है, क्योंकि स्पोक व्हील के साथ गाड़ी की लुक जो है टोटली चेंज हो गई है। इस तरह मैं आपको एक बार साइड प्रोफाइल कम्प्लीटली दिखा देता हूँ। अगर इंजन की बात करते हैं, इंजन की पावर में कोई चेंज नहीं है, तो इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं है,
जो मेजर चेंजेस हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन एक बार आप ये साइड प्रोफाइल चेक करेगा और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आपको अब गाड़ी की लुक और गाड़ी की जो प्रोफाइल है पहले से ज़्यादा अच्छी लग रही है या नहीं लग रही, और जो ये कंपनी नई चेंजेस लेके आई है वो आपके लिए यूज़फुल है या नहीं। डेफिनेटली काफ़ी लोगों के लिए यूज़फुल होंगे और काफ़ी लोगों के नहीं भी होंगे, लेकिन जो हार्डकोर ऑफ रोडिंग करते हैं तो उनके लिए गाड़ी जो है पहले से ज़्यादा अब और ज़्यादा यूज़ेबल हो गई है। आपको मैं एक बार अदर साइड से भी रियर व्हील एक बार दिखा देता हूँ, आप ये देख सकते हैं। अगर मैं टायर प्रोफाइल की बात करूँ दोस्तों, इसमें भी सेम टायर प्रोफाइल आपको देखने को मिलने वाला है, 130/80/17 इंच का पिछले वाला रियर व्हील आपको मिलने वाला है। टायर वही सेम आपको मैटजेलर के ही टोरांस टायर मिलने वाले और वही सेम ट्यूबलेस टायर है, लेकिन हाँ डेफिनेटली अगर इसमें आपको स्पोक मिल रहा है तो जो टायर है अब आपको ट्यूब के साथ ज़रूर मिलेगा, लेकिन कंपनी जो है यहाँ पे आपको सेम एज इट इज़ टोरांस टायर प्रोवाइड कर रही है। तो कुछ इस तरह के लुक आप गाड़ी से निकल कर आ रही है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि अब गाड़ी की लुक आपको कैसी लग रही है, और ये जो नई लाइब्रेरी KTM ने अब इंट्रोड्यूस करी है इस मॉडल के साथ, तो ये आपको कैसे लग रही है तो मुझे कमेंट करके दोस्तों आप ज़रूर बताएगा। सो गाइज अब बात कर लेते हैं रियर सस्पेंशन की, तो फ्रंट में आप किस तरह से इसको चेंजेस कर सकते हैं सेटिंग में वो मैंने आपको बता दिया, काफ़ी आपको ऊपर ये बटन्स देखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ से आप इसको मूव करके इनको क्लिक के चेंज करके आप अपने अकॉर्डिंग इसको हार्ड इसकी कंप्रेशन और रिबाउंड की सेटिंग कर सकते हैं। उसी तरह से अगर मैं रियर सस्पेंशन की बात करूँ तो आप ये देख सकते हैं आपको यहाँ पे एक पेच नज़र आ रहा होगा, तो आप किसी भी स्क्रू की मदद से आप यहाँ से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी होगा, वैसे तो अभी कैमरा में कैप्चर नहीं हो पा रहा होगा, अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो अगर आपको ये सस्पेंशन की सेटिंग हार्ड पर रखनी है तो राइट साइड पर आप इसको मूव करेंगे और लेफ्ट में करेंगे तो ये सॉफ्ट होता चला जाएगा। तो आप यहाँ देखिए दिख भी रहा होगा आपको, इधर सॉफ्ट सेटिंग है इधर हार्ड, तो ये जो स्क्रू आप देख रहे हैं तो किसी भी स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से आप यहाँ पे अपनी सेटिंग्स की चेंजेस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो कुछ इस तरह से आप रियर सस्पेंशन सेटिंग चेंज कर सकते हैं, और फ्रंट के मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ दोस्तों जो राइट साइड वाला। तो एक ओवरऑल लुक मैं आपको इस गाड़ी का दोबारा से दिखा देता हूँ, तो आप एक साइड प्रोफाइल एक बार चेक करिएगा, तो कुछ इस तरह से इसकी साइड प्रोफाइल है। फ्रंट प्रोफाइल एज इट इज सेम है, यहाँ पे आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, और आपको मैं एक बार राइट साइड से भी इस गाड़ी की कंप्लीटली प्रोफाइल एक बार चेक करा देता हूँ। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ मनीष जी से, क्या इसकी प्राइसिंग है, क्या इसकी अवेलेबिलिटी है, कितनी किस तरह से आप इसको बुक कर सकते हैं और कब आपको गाड़ी मिल सकती है, तो बाकी जानकारी लेते हैं मनीष जी से। सो गाइस अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं मनीष जी, तो आपके इस गाड़ी के बारे में जो मेन सवाल है जो आप सब लोग जानना चाहते होंगे तो अब इनसे वो पूछते हैं। तो मनीष जी सबसे पहले बताइए इस गाड़ी का एक्स शोरूम कितना है? ऑन एक शोरूम पड़ेगा इसका 360,880 रुपये, ओके, और अप्रॉक्स ऑन रोड कॉस्ट आएगी 420,000 के अराउंड। 420,000 के अराउंड। अगर आपको एक्जैक्ट इसकी कॉस्टिंग जाननी है ऑन रोड आपको कितना पड़ेगा तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मैंने मेंशन किया हुआ है, आप शोरूम पे कॉल कर सकते हैं, आपको एग्जैक्ट फिगर मनीष जी बता देंगे। और इसके अलावा किसी और बाइक के लिए भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप उसके लिए भी पता कर सकते हैं, शोरूम का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप आइए कॉल कर सकते हैं, डायरेक्ट शोरूम पर भी विजिट कर सकते हैं। हम मनीष जी अब सबसे बड़ी बात कि ये गाड़ी पे कितना वेटिंग चल रहा है? मैक्सिमम 20-25 डेज वेटिंग है अभी। वेटिंग है तो एक मैक्सिमम टाइम पीरियड है, गाड़ी मिल जाएगी अकॉर्डिंग टू पहले भी मिल सकती है अगर अवेलेबिलिटी है तो। जी बिल्कुल। ओके तो इसका बुकिंग अमाउंट कितना करना पड़ेगा? 10,000 रुपीज बुकिंग अमाउंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बुकिंग करना पड़ेगा 10,000 रुपीज। तो आपको हमने बुकिंग अमाउंट बता दिया, इस पे कितना वेटिंग पीरियड है वो बता दिया, इसका एक शोरूम बता दिया, अगर आप फिर भी कोई मैं कुछ मिस कर रहा हूँ आपकी कोई भी क्वेरी है तो डायरेक्ट आप मनीष जी को कॉल कर सकते हैं। तो एक बार आप शोरूम के बारे में बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार कॉन्टैक्ट नंबर भी बता दीजिए। हमारा शोरूम का लोकेलिटी रहेगी राक KTM शात्रा के नाम से, आपको गूगल पे हमारा पेज मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्शन करके आ सकते हैं, और 7 डेज ओपन है 10 to 7 PM। एक बार अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए। हाँ कॉन्टैक्ट नंबर मेरा रहेगा 8076142944, तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो दोस्तों यही सब कुछ जानकारी थी आज KTM एडवेंचर 390 स्पोक व्हील के साथ, ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, तो वैसे तो मैंने अपनी तरफ से कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन आपको इस गाड़ी के बारे में दे दी, अगर फिर भी मैंने कुछ मिस कर दिया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपको आंसर जरूर मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी और आज की वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी। तो दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से मेरी अगली वीडियो में बहुत जल्दी, तो तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप स्माइल।